प्रिया धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी गुजरात सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख का देंगे मुआवजा। चिराग की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, पशुपति को संसदीय दल का नेता बनाने के फैसले पर फिर से विचार करें। दिल्ली हिंसा में नताशा कालेता को जमानत देने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पुलिस। बिहार में पशुपति पारस के घर के बाहर चिराग पासवान के समर्थकों का प्रदर्शन। घर के बाहर प्रदर्शन पर बोले पशुपति पारस, लोकतंत्र है और ऐसा होता रहता है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस में 25,000 का इनामी बदमाश आनंद यादव हुआ गिरफ्तार। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी तेज, सीएम केजरीवाल बोले 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। पप्पू यादव का ट्वीट, कोरोना में जनता मर रही थी, हुक्मरान अपना घर भर रहे थे। आंध्र में विशाखापट्टनम के कोयूरू गांव में नक्सली और पुलिस की मुठभेड़ में 3 नक्सली हुए ढेर। राहुल गांधी का आरोप, पीएम की झूठी छवि बचाने के लिए वायरस को बढ़ावा दे रही है केंद्र सरकार। दिल्ली में सागर धनखड़ केस में एक और गिरफ्तारी, जुड़ो कोच सुभाष को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। कोलकाता में फिल्मी डायलॉग से लोगों को भड़काने के आरोप में मिथुन चक्रवर्ती से पुलिस ने की पूछताछ। राम मंदिर के लिए जमीन विवाद पर प्रियंका की मांग, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो पूरी जांच। एलजेपी नेता प्रिंस पासवान पर रेप का आरोप, दिल्ली में लड़की ने दर्ज कराई शिकायत। जोधपुर में आशा राम की तबीयत खराब, पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच किया एम्स में शिफ्ट। पटना में जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी के सरकारी आवास में लगी आग। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।